नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लेटरल टी का कटबैक निकालने के लिए फार्मूला के बारे में कि आप लोग कैसे उसका कटबैक निकालेंगे, वो भी अपने मोबाइल से या अपने कैलकुलेटर से। ठीक है, बस इस पे ध्यान देना आपको कि कटबैक निकालने के लिए आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, उसी से निकलेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करूंगा मैं वीडियो। उससे पहले यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन हिट कर दें। सो हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे आपको कटबैक निकालना है। मैं ऑलरेडी पहले से टाइप करके रखा हूँ ताकि आप लोग का टाइम ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इधर ऑलरेडी टाइप करके रखा हूँ लेटरल एनी डिग्री इक्वल और अनइक्वल के लिए 4/4 = 45 डिग्री एयर सेंटर लाइन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 4 इंच का ओडी आपका 114 होता है और आईडी आपका 104। ओके, सो आर इक्वल टू हेडर हाफ ओडी, डी इक्वल टू सेंटर लाइन डिग्री और बी इक्वल टू ब्रांच हाफ आईडी और वाई इक्वल टू लेटरल डिग्री। सो फुल अपना डिग्री का फुल डिग्री को डिवाइड करेंगे सेंटर लाइन से, तो 360 / 8 ऑलरेडी मैं दिया हूँ इधर, 8 सेंटर लाइन से डिवाइड करना है, 45 डिग्री आएगा, एक सेंटर लाइन का डिग्री 45 आएगा। ओके, सो अभी यहाँ पे थोड़ा मैं बता दूँ आप लोग को, फार्मूला हमारा ये है कि ओपन ब्रैकेट्स में आर माइनस अंडर रूट ओपन ब्रैकेट्स आर स्क्वायर माइनस ओपन ब्रैकेट्स साइन ओपन ब्रैकेट्स डी क्लोज ब्रैकेट्स इन टू डी, इसको मल्टीप्लाई भी बोलेंगे बी। ओके, बी क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर फिर डबल क्लोज ब्रैकेट्स डिवाइड बाय साइन ओपन ब्रैकेट्स वाई क्लोज ब्रैकेट्स प्लस बी ओपन ब्रैकेट्स 1 माइनस कॉस ओपन ब्रैकेट्स टी डबल क्लोज ब्रैकेट डिवाइड बाय 10 ओपन ब्रैकेट्स वाई ब्रैकेट्स क्लोज। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अभी इसमें ये आर ये डी बी का मतलब क्या हुआ, मैं ऑलरेडी यहाँ पे टाइप करके रखा हूँ, आपको ज़्यादा ध्यान दे सॉरी इधर उधर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे टाइप करके रखा हूँ, बस यही चीज़ आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो आर इक्वल टू हेडर का हाफ ओडी, मेरा हेडर कितना है 114। ओके, तो हाफ ओडी उसका 57 हो गया और यहाँ पे आर स्क्वायर दे रहा है, तो आर स्क्वायर का 57 के स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आर इक्वल टू हेडर हाफ ओडी। यहाँ पे साइन 45 डिग्री, जैसे कि मान लीजिए आपका जो सेंटर लाइन आप मारेंगे तो पहला से सेकंड का सेंटर लाइन 45 डिग्री आएगा, मैं ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा हूँ। ठीक है, 45 हो गया मिन टू 52 कहाँ से आया, बी, बी का मतलब क्या होगा ब्रांच का हाफ आईडी, तो ब्रांच का हाफ आईडी यहाँ पे देखिए 104 हो गया तो इसका हाफ करेंगे 52 हो जाएगा। ठीक है, साइन अभी साइन करेंगे 45, वाई इक्वल टू लेटरल डिग्री, तो लेटरल मेरा जैसे जितना डिग्री में आपको निकालना है तो मेरा 45 डिग्री में मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे अगर 60 डिग्री निकालना है तो 60 का निकालिए, 30 डिग्री निकालना है 30 का निकालिए, जितना डिग्री का आपको निकालना है यहाँ पे डालते हैं, ये चेंज कर देना है, लेटरल डिग्री आपको चेंज कर देना है, तो साइन 45। ओके, लेटरल का डिग्री मेरा 45 हो गया और प्लस 52 बी, बी इक्वल टू 52 क्योंकि मेरा आई डी 104 है तो उसका हाफ डालने का मेरे को। ठीक है, तो 52 हो गया, 1 माइनस कॉस ब्रैकेट्स में 45 डालना है, 45 डी का, तो लेटरल का डिग्री मेरा 45 है तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, फिर 10 45 तो वाई इक्वल टू लेटरल डिग्री यहाँ पे भी डालना है। इसका कटबैक आप अगर कैलकुलेटर से निकाल रहे हैं तो 34.2 आएगा, ये एक सेंटर लाइन का कटबैक हो गया। दूसरा, अगर आप 90 जैसे कि 45 आया दूसरा 90 आएगा फिर 135 फिर 180 आएगा, 8 सेंटर लाइन में है तो ये ऐसे आएगा। तो जैसे कि मान लीजिए अभी सेम वही चीज़ डालना है आपको, यहाँ पे डिग्री आपको चेंज कर देना है, आपका सेंटर लाइन डिग्री डी इक्वल टू सेंटर लाइन डिग्री, यहाँ पे डी इक्वल टू सेंटर लाइन 90 हो गया, मेरा सेकेंड सेंटर लाइन 90 डिग्री में हो जाएगा, पहला 45 दूसरा 90 हो जाएगा, तो 90 में आपको 90 यहाँ पे डाल देना है, बाकी सब सेम रहेगा, फिर यहाँ पे 90 डालना है, 10 45 = 99.5, ये मेरा डिग्री हो गया। ओके, सो नेक्स्ट जैसे कि मान लीजिए 135 डिग्री आएगा, थर्ड लाइन मेरा 135 आएगा तो यहाँ पे भी 135 हम लोग को डालना है, तो 135 डालने के लिए
जैसे कि मान लीजिए 45 इंटू 3 करेंगे, क्योंकि तीसरा लाइन है तो 135 रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ आपको डिग्री चेंज करते रहना है, आपका आता जाएगा। फिर यहाँ पे 180 हो गया, तो यहाँ पे भी 180 हो गया, 104 हो गया, ऐसे करके हम लोग सारा डिग्री अपना चेंज कर लेंगे और यहाँ पे कटबैक हमारा आता जाएगा। ठीक है, अभी आपको अगर अनइक्वल करना है तो यहाँ पे आईडी आप सिर्फ चेंज करेंगे, 104 के जगह पे आपको ये 4 इंच है, 3 इंच का डालना है तो 90 हो गया, 90 का आईडी, सॉरी तो 3 इंच का ओडी आपका 90 हो गया, उसका थिकनेस आप माइनस कर लेंगे तो 90 हो जाएगा, सॉरी 90 का आईडी मिल जाएगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे डिवाइड हाफ करके आपको यहाँ पे सब चेंज कर देना, चेंज कर देंगे आपका अनइक्वल का भी मिल जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया। सो वीडियो आप लोगों ने अभी तक देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल का आइकन हिट जरूर कर दें। ठीक है, तो एक बार मैं और आपको कंफर्म कर दूं कि सिर्फ आपको यहाँ पे डिग्री चेंज करना है। ठीक है, एक बार जो आपने ये सब डाल दिया उसके बाद से आपको सिर्फ सेंटर लाइन का डिग्री आपको चेंज करते जाना है। ये पूरा सेंटर लाइन का डिग्री आप चेंज कर लेंगे, आपका कटबैक निकल जाएगा। अगर यही आप 16 सेंटर लाइन में करेंगे तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, 22.5 डिग्री का एक हो जाएगा, तो यहाँ पे 22.5 डिग्री डालेंगे, यहाँ पे भी वही डालेंगे, ये दूसरा सेंटर लाइन 45 का हो जाएगा, तीसरा आपका 67 पॉइंट कुछ ऐसा आएगा तो उसका डालना पड़ेगा, फिर 90 का डालना पड़ेगा। तो ऐसे करके सेंटर लाइन बढ़ाएंगे, तो सेंटर लाइन बढ़ाने से फ़ायदा ये होता है कि आपको मार्किंग करने में आसानी होती है। ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सेंटर लाइन से है कि मार्किंग थोड़ा आसानी तरीक़ा से कर सकते हैं। ठीक है, ये कटबैक हो गया, कटबैक हो गया, अभी इसको मार्किंग कैसे करना है तो इसका मार्किंग के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, नहीं है अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके देख लें। ठीक है, अभी अगले वीडियो में हेडर होल का मार्किंग का मैं वीडियो कटबैक निकालने के लिए वीडियो बनाऊंगा। सो वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो एक बार और मैं बोलना चाहूँगा, सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन हिट कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए